हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आम नमन अग्रवाल और मैं संजीव सर के साथ हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे आने का मेन पर्पस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सर, हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं सी टेट की। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो वाई फाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल है उस पर आप भी ले रहे हैं लाइव क्लास, मैथ्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रवीण सर भी ले रहे हैं, और हिंदी क्लासेज भी चल रही हैं, सारी क्लासेज चल रही हैं। काफ़ी दिनों से कुछ स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न था कि सर तैयारी कैसे करनी है, सर बुक्स कौन सी हैं। तो आज स्पेशली जो सेशन रखा है हम लोगों ने, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स हम इस सेशन में लेने वाले हैं, और हमारी कोशिश यही है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। और हमारा पहले भी वीडियो आया था, उसमें भी मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स देखे थे, तो वो सारे जितने भी जवाब थे आज सब आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं चलता हूँ संजीव सर के पास, पहले पूछूंगा संजीव सर, सीटेट की जो आप क्लासेस चल रही हैं आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ बताएंगे? तो अभी जो हम क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, उन्हें यही नहीं पता है। बहुत सारे रूरल एरिया से स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है सीटेट होता क्या है। बहुत सारे पूछते हैं सर ये कौन सी क्लास चल रही है, उनको बताते हैं सीटेट के लिए इंग्लिश की क्लास चल रही है। वो पूछते हैं सर पेडागोजी क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, क्या पढ़ाना होता है। कुछ स्टूडेंट जानते हैं तब भी उन्हें कन्फ्यूजन है कि कौन इसकी तैयारी कर सकता है। तो सिंपल सी एक बात है, सीटेट की तैयारी हर वो स्टूडेंट कर सकता है जिसको टीचर बनना है, जिसने बीएड कर रखा हो, जिसने स्टेट से कोई बीटीसी या फिर डीएलएड कर सकता हो, या फिर टीचिंग की जो भी डिग्री या डिप्लोमा होती है वो उसके पास है। और ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये सेंट्रल लेवल का होता है, स्टेट में टीईटी होता है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसकी हिंदी होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा वो होती है। तो ये सेंट्रल लेवल का होता है और स्टेट के टेट के एग्जाम्स भी होते हैं। जिनके पास टीचिंग की कोई डिग्री या डिप्लोमा है वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हो। और इंडिया के किसी भी कोने में, चाहे वो हम सेंट्रल स्कूल की बात करें, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें, आर्मी स्कूल की बात करें, उन सभी में आप जॉब पा सकते हो इसके द्वारा। अच्छा सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपने बताया दिया कि सीटेट की तैयारी कौन कौन कर सकता है, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे। अगला जो क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन है सर, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं हमें। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, पहले तो आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, इंग्लिश ले सकते हो आप, संस्कृत ले सकते हो, ठीक है। मोस्टली यही दो ज़्यादा चलते हैं, लैंग्वेज के ऑप्शन आपके पास और भी होते हैं लेकिन इंग्लिश और संस्कृत ये ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा आपकी मैथमेटिक्स भी होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स के बाद एनवायरनमेंट जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो भी आता है, ठीक है। साइंस से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पेडागोजी, बाल विकास करके। पेडागोजी न केवल एक स्पेशल सब्जेक्ट है बल्कि सारे सब्जेक्ट में पेडागोजी आता है। मैथ्स की भी अपनी पेडागोजी है, इंग्लिश की भी अपनी पेडागोजी। दरअसल पेडागोजी कोई एक सब्जेक्ट क्या, वो एक मेथड है, जैसे जिसे हम लोग कहते हैं टीचिंग मेथड। मेथड है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, मैथ्स हम कैसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। एक टीचर होता है जो सिंपली बच्चों से कहता है दो और दो चार होते हैं, एक कहता है दो लाइन करो फिर ऐड करो फिर चार करो, एक कहता है कि चार टॉफी आपके पास थी दो और आ गई तो कितनी हो गई। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, बच्चे को किस तरह के बच्चे को किस लेवल के बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे उसे हर अपने सब्जेक्ट में मजबूत बनाना है, इसे मेरे अकॉर्डिंग पेडागोजी कहते हैं। अच्छा सर, मेरे पास अगला जो आता था कॉमेंट आता था, बच्चे पूछ रहे थे सर बेस्ट बुक्स बताइए। मैं मतलब इस चीज से मैं बहुत ज्यादा हूँ कि सर बुक्स बताओ आप, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट कमेंट रहता है कि सर बुक्स बताओ। सर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ सीटेट की क्लास में नहीं, एसएससी की क्लास लो, बैंक की क्लास लो, डिफेंस की क्लास लो, हर एग्जाम में बच्चा कहता है बेस्ट बुक कौन सी है। सही कह रहे हैं सर। सिंपल सी एक बात सोचो, इतने सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं मेरी तरफ से, हमारी वाईफाई स्टडी की टीम में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इतना कंटेंट ढूंढ के लाते हैं, क्या लगता है आपको इससे बढ़िया किताबें कहीं मिलेंगी? अब मेरा जवाब सुनना, जब आप पढ़ते हो ना, मेरी क्लास में अगर आप लोग आते होंगे तो मेरा एक चीज पे फोकस रहता है, वो ये होता है कि नोट्स जरूर बनाओ। एग्जैक्टली सर, नोट्स जरूर बनाओ। आप हमेशा याद रखो, एक कड़वी सच्चाई है जो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, जानबूझ के किताबें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि किताब मोटी होगी तो कीमत उतनी ज्यादा होगी। क्या बात, सिंपल सी बात है भाई। और किताबें जानबूझ के टफ बनाई जाती हैं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मार्केट में हम जाके सबसे पहले पेज पलट के देखते हैं यार इसको आंसर मेरे को आता है, फेंक दी। ये बड़ी आसान किताब है। सही कह रहा है, एक किताब मैंने उठाई जिसका आंसर हमें पता ही नहीं है, पता नहीं क्या होनोलुलु टाइप का लिखा हुआ है, उसको देखा यार ये बेस्ट किताब, वही बेस्ट बुक हो जाती है, वो बेस्ट बुक हो जाती है। समझ गए ना, बेस्ट बुक। लेकिन एक स्टूडेंट, एक कॉम्पिटिटर होने के नाते, क्योंकि आप स्टूडेंट से कई ज्यादा आगे बढ़ चुके, आप हैं एक कॉम्पिटिटर, एक कॉम्पिटिटर के लिए बेस्ट बुक वो है जब वो पढ़ रहा हो, खुद के उसने नोट्स बनाए हो, एग्जैक्टली कई सारी क्लासेस ली हो, कई सारी किताबें पढ़ी हो, फिर उसने जो नोट्स अपने खुद के बनाए हो ना, वो उसके लिए बेस्ट बुक है। आपको जवाब मिल गया होगा क्योंकि आप बेटर समझ रहे हैं। सर इस चीज में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्या होता है हमारे पास बुक्स होती भी हैं,
हमारे हम लेकिन फैकल्टी से पूछने जाते हैं कि सर आप बताओ आप बताओ आप बताओ. तो मेरा ये कहना है कि आपके पास जो भी बुक है ना पहले उसे कंप्लीट करो. हमारे पास क्या होता है ना, बुक्स का ढेर तो लगा लेते हैं हम, लेकिन हम एक बुक को भी कंप्लीट नहीं कर पाते. तो मेरा यही सजेशन है, आप सजेशन का नोट्स बनाओ बेस्ट तरीका है. आपके पास कोई भी बुक है तो पहले उस बुक को कंप्लीट करो, उस बुक की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करो, उसके बाद आप कोई और बुक पे जाओ, वरना नोट्स बेस्ट रहेंगे. मैं सर एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा, इसे गलत मत समझिएगा, मैंने कई बार देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले लो, आप अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल ले लो, आप स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल ले लो, उनके पास इतनी सारी इंफ्रा नहीं था, इनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी वो आगे गए. एक गरीब का बच्चा जो होता है ना, उसके पास एक ही किताब मुश्किल से मिलती है और उस एक ही किताब को वो 10 से 15 बार पढ़ लेता है, और जो जिसके पास सोर्सेस होते हैं वो 10 किताबों को खरीद लेते हैं लेकिन एक बार भी उसको नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रहते हैं. तो जो आप नोट्स अपने बनाओ, जो भी बुक आपके पास है उसे एक बार नहीं, उसे एक से ज्यादा बार पढ़ने की आदत डालो, अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो. ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ अपना. सही कह रहे हैं बिल्कुल सर. अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो है वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उस क्वेश्चन से, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताइएगा. बच्चे कहते हैं सर लेवल, तो लेवल क्या होता है सर क्वेश्चन का? जैसे मैं इस टाइम मैथ्स में जो करा रहा हूँ, बॉर्ड मास चल रहा है, इससे पहले जो मैंने कराया नंबर्स कराया, तो मैं सर उसी लेवल का करा रहा हूँ जिस लेवल का आता है. तो आप ही बताइए कि लेवल ज़्यादा आता है क्या मैथ्स में? अगर हम लेवल की बात करें तो कभी भी 8 स्टैंडर्ड से ऊपर जाता ही नहीं है लेवल, 8th स्टैंडर्ड का रहता है बस. 8th स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे आप नर्सरी के 2+2 की बात करें, या फिर बोर्ड मास की बात करें, या फिर जनरली A+B के होल स्क्वायर की बात करें, या A-B के होल स्क्वायर की बात करें, मैथ्स की बात करें, 8th स्टैंडर्ड से कभी आगे जाता ही नहीं है. इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वही वर्ब के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन, आर्टिकल डिटरमिनर्स के क्वेश्चन. तो लेवल आपका 8th स्टैंडर्ड से कभी ऊपर गया ही नहीं. आप 8th स्टैंडर्ड के नीचे जितना भी है ना उसकी प्रैक्टिस कर डालिए, ये है आपका लेवल. अच्छा सर, एक बात और बताइएगा इसके साथ साथ, आप भी कहते होंगे नमन सर बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन सर जो क्वेश्चन मेरे नहीं है वो क्वेश्चन स्टूडेंट से क्वेश्चन है सर. मैं कह रहा हूँ सर, प्रीवियस ईयर का कितना रोल रहता है? अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, अगर आप प्रीवियस ईयर को, क्योंकि जो CTET का एग्जाम है NCERT कराता है, और NCERT का सीधा सा फंडा है कि वो रिपीटेड चीज़ है बहुत ज़्यादा. अभी बहुत ज़्यादा टेट तो नहीं हुए हैं, कुछ साल पहले अपना CTET स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हमने देखा है कि फ्रिक्वेंसी जो है ना वो रिपीटेड क्वेश्चंस की ज़्यादा होती है, क्वेश्चंस रिपीट रहते हैं. तो प्रीवियस ईयर से एक तो आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है. और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो OMR sheet जरूर लेकर बैठे, उसको फिल करने की आदत डालें. हमने देखा है स्टूडेंट जितना बड़ा होता जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है, इनमें गलतियां बहुत होती हैं. मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो 150 में से लगभग 140-135 क्वेश्चन सही कर चुके थे लेकिन फिल नहीं करने की वजह से वो पीछे रह गए. तो ये आदत जरूर डालें आप. और सर वैसे नेगेटिव का तो नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है इसमें, नेगेटिव का कोई रोल नहीं, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, है ही नहीं नेगेटिव मार्किंग. अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं कि एक वर्ड आपने बताया पैडागोजी, तो आप ये बताओ सर इसका कितना रोल रहता है पैडागोजी? अगर हम पैडागोजी की बात करें तो स्टूडेंट पैडागोजी को सुनते, क्योंकि बचपन से लेके हमने किसी भी एग्जाम में पैडागोजी नहीं पढ़ी, किसी क्लास में हमें नहीं पढ़ाई गई. अगर आपने आर्ट साइड से BA वगैरह नहीं किया है तो पैडागोजी हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं. ये स्टूडेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट होता है, एक नया वर्ड होता है पैडागोजी, एक नया वर्ड होता है. इस वजह से इस नए वर्ड में स्टूडेंट को दिक्कत होती है. आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसे कैसे आप शांत करेंगे, उसका जवाब कैसे लाएंगे, ये है आपका पैडागोजी. हमें कोई चीज़ आपको समझानी है, अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं. एक स्टूडेंट बहुत जल्दी कवर कर लेता है, एक स्टूडेंट बहुत देर में कवर करता है, एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो 2-4 दिन भी कवर नहीं कर पाता. तो इन स्टूडेंट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे क्लास में? पढ़ाने की कला, पैडागोजी, बाल विकास, ये है पैडागोजी. तो इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में होता है, ये स्पेशली सब्जेक्ट भी है, सबके लिए रोल है. लेकिन मेहनत करोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे तो इसके जवाब आप इजीली दे सकते हो. अच्छा सर, जैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब की, तो काफ़ी स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे हमारा भी प्रीवियस वीडियो आया था कि हम जो आपने और हमने करा था उससे काफ़ी व्यूज़ भी हो गए 1 लाख, और हमारे पास कई स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं. तो सर बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़े? एक तो हमारे पास तरीका है कि हाँ हम लोग यूट्यूब पर कनेक्टेड हैं, दूसरा तरीका जो हमने डिस्कस करा था प्लस कोर्स का, तो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर प्लस कोर्स से हम कैसे जुड़े. और आपने भी देखा होगा कि आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं प्लस कोर्स पर, मेरी जस्ट क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी, तो कितने स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल हो चुके
हैं और कैसे कैसे स्टूडेंट जुड़ेंगे तो बताएंगे सर। प्लस कोर्स की अगर हम बात करें, जो लोग प्लस कोर्स परचेज कर सकते हैं तो उनके लिए हम एक वीडियो चला देते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, आप उससे समझ सकते हो। वैसे अपनी यूट्यूब पर क्लासेस तो चली रही हैं, फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें आपको, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है मोस्टली जो जॉब कर रहे हैं लड़के, जो ऑफिस में बैठ के टाइम नहीं निकाल पाते, कोचिंग नहीं जा सकते, अपना पढ़ने का भी टाइम नहीं निकाल सकते, उनको एक गाइडेंस चाहिए। या जिन हमारी बहनों की शादी हो चुकी है, घर में है, घर संभालनी है, बच्चों को संभालनी है, उनके लिए प्लस कोर्स है जो किसी भी टाइम कभी भी टाइम निकाल के वो पढ़ सकते हैं और वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं, आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी। तो उसे कैसे परचेज करना है उसके लिए हम आपके सामने एक वीडियो ला, एक मिनट मैं रोकूंगा आपको सर। जैसे आपने कहा उन लोगों के लिए, सर मेरे अकॉर्डिंग ये प्लस कोर्स सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है। रीजन पता क्या है सर, जैसे मैंने यूट्यूब पे क्लास लिया, आपने ली, तो कभी कभार क्या होता है कि हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं और वहाँ पे सर हमें नहीं पता, मोस्ट स्टूडेंट जो होता है वो जेन्युइन होता है, बट कभी कभार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि अरे सर नहीं है और आप बताओ बताओ बताओ, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं टाइम के लो होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है सर, जो मुझे फील हुई डाउट, अब मेरे पास कई डाउट आते हैं कि सर ये बताइए वो बताइए, बट एट अ सेम टाइम हम सबके डाउट नहीं ले सकते बिकॉज टाइम लिमिटेड है। यूट्यूब पे हमारी बैक टू बैक क्लासेस चलती हैं, आपने देखा हमने एक की जगह दो चैनल पे काम कर रहे हैं और हमारी बैक टू बैक क्लासेस चलती हैं। फिर जो तीसरा आता है सर, कहते हैं बच्चे कहते हैं पीडीएफ दो आप, तो सर आपको भी पता है कि हर एक चीज़ का यहाँ पे पीडीएफ देना पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली फॉर इंग्लिश या मैथ। यस सर, ठीक है सर। तो इसी सब का जो हम कर लेके आए हैं वो प्लस कोर्स लेके आए हैं, और प्लस कोर्स का अभी सर बताते हैं कैसे परचेज करना है, सर एक बार बताएगा। यस सर, वीडियो चला दीजिएगा। तो देखिए वीडियो आपके सामने, इसमें आपको करना क्या है, वीडियो आपके सामने आ रहा है और इसमें आपको देखिए क्या करना है, सामने सब कुछ आपको दिख रहा है। आपके सामने ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप आएगा, इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको टीचिंग एग्जाम्स में जाना है, फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो वाईफाई स्टडी आपको मिलेगा। वाईफाई स्टडी पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप वाईफाई स्टडी पे क्लिक करेंगे हमारे द्वारा जो कोर्सेज चल रहे हैं हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट के, वो आपको दिखाई दे जाएंगे। उसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, फिर आप 1 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ का जो लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने एक रेफरल कोड आएगा, उस रेफरल कोड का अगर आप यूज़ करते हो तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और उसे आप फोन पे, ओला मनी या फिर पेटीएम किसी भी तरह से आप उसको परचेज कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सिलेक्ट करना है वाईफाई स्टडी टीचिंग एग्ज़ाम जो है ना, टीचिंग एग्ज़ाम्स को सिलेक्ट करना, और ये न केवल सीटेट के लिए बल्कि आगे आने वाले जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम सीटेट की बात करें, स्टेट टेट की बात करें, हम DSSB की बात करें, KVS की बात करें, या स्टेट में और भी जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सर अभी जैसे कहा 1 मंथ का है लिया हमने, तो 1 मंथ का 1000 का है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि 1 मंथ का बेटर रहेगा 1 ईयर का बेटर रहेगा? सर एक पहली चीज़ मैं रखूँगा कि आपने कहा सर 1000 का है, तो पहले तो 10% डिस्काउंट डाल दो, 900 का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक एक महीने का लेते हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है 1000 यानी 12000 का पड़ेगा, 12000 में आप 10% डिस्काउंट दोगे तो 1200 का डिस्काउंट कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा, और यही अगर आप एक साथ एक साल का ले लेते हो तो ऑब्वियसली बात है उसका हाफ है बिल्कुल, और उसमें भी 10% का डिस्काउंट है। सॉरी, तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, एक महीना या एक साल? मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये ना केवल सीटेट के लिए बल्कि सभी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए फिर ये 1 ईयर वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप 1 मंथ का ले रहे हो फिर ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डाउट सेशन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने 3 क्लासेस ली उसके बाद डाउट सेशन है, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। जिस लेवल पे आज आप हैं वहाँ पर आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में जो क्वेश्चन हैं उनके डाउट्स भी हैं, उन डाउट्स को आप कैसे क्लियर करें वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और कॉन्फिडेंस आ रहा है तो एग्जाम को आप घर बैठे पास कर सकते हैं। सर बेस्ट पार्ट ये हो गया, टेक्नोलॉजी ने इतनी हेल्प कर दी कि सब कुछ आप घर पे बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आप बाहर जाएंगे रूम वगैरह देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको परचेज करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ प्लस का सब्सक्रिप्शन जैसे सर ने बताया वहाँ जाके प्लस कोर्स परचेज करना है। बेस्ट पार्ट क्या है ना, सब कुछ वो PDF है। आप देखिए प्लस कोर्स और इसमें क्या डिफरेंस रहता है, हम अपना बेस्ट यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, बट जैसे सर ने कहा डाउट सेशन, हम पर्टिकुलरली हर 2 से 3 के बाद डाउट रखे हैं, सर ने भी रखे हैं, हर जितनी भी फैकल्टी ले रही है आपकी सीटेट की क्लासेस सब ने रखे हैं। उसके बाद आपका लाइव इंटरेक्शन होता है, सर कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये बताइए वो बताइए, नेक्स्ट आपको PDF मिलती है कि हाँ सर हम हर पेपर हमारा जितना हमने करवा दिया, हर क्लास के बाद हर फैकल्टी PDF प्रोवाइड कराता है। मेन चीज़ एक और है,
इसमें हम आपको क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं या वीकली क्विजेज लेते हैं, उससे क्या होती है आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अब क्या हुआ साहब, आपने क्विज दे दिया, टेस्ट दे दिया, अब मुझे दिक्कत आई, अब मैं किससे पूछूं, अब मैं वो चीज़ पूछूंगा डाउट सेशन, क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल सही। अभी तक स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स रहा है ना, उन रिस्पॉन्स में बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे जो भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े हैं काफ़ी खुश हैं बच्चे, और उनकी वजह से उनके भी अपने कुछ डाउट्स रहते हैं वहाँ उनके तुरंत क्लियर हो जाते हैं। और जो वीडियो अपना लास्ट बार हम लाए थे, लास्ट टाइम लेके आए थे, उसके इतने सारे डाउट्स थे, उस वजह से ये सेशन हमें लाना पड़ा। कैसे परचेज करना सब चाहते हैं, उन्हें प्रोसेस नहीं पता, और एक रुपया भी कोई अपना वेस्ट नहीं करना चाहता, उन्हें लगता है यार पता नहीं कहाँ हज़ार रुपये मेरे चले जाएंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन सर जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप को लगता है ना कि नहीं सर हज़ार रुपये, आप वन मंथ का लेके देखो, 900 रुपीज की बात है, आप वन मंथ का लेके देखो, उसके बाद अगर आपको लगे तो आप वन ईयर का बिल्कुल ये सही रहेगा। तो सर और कोई अगर डाउट हो तो प्लीज जो अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मंडे टू फ्राइडे तो हम लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सैटरडे संडे हम लोग फ्री होते हैं, तो फिर से कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी, आपके कोई डाउट रहेंगे तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए फिर से हम सेशन लेके आएंगे। बस आप अपने बात को कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिख दिया। अच्छा एक चीज़ और पूछी है सर कि 900 रुपये जो हम दे रहे हैं, 1000 रुपीज़ हम जो पे कर रहे हैं, उसमें हमें एक ही फैकल्टी का मिलेगा या सारे फैकल्टी? सभी फैकल्टीज सबका मिलेगा, सबका मिलेगा। उसमें ये नहीं है कि केवल आपने 900 रुपये दिए इंग्लिश में, संजीव सर को आप देखेंगे और महीने भर उन्हीं को देखना है, आपको नमन सर भी मिलेंगे, आपको प्रवीण सर भी मिलेंगे, आपके हिंदी में गणेश सर भी मिलेंगे, और आपको राजेंद्र सर भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप किसी का भी ले सकते हैं, आपको सारा सी टेट का मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, 3 महीने बाद जैसे पेपर वन का हो जाएगा, मैथ्स का बता रहा हूँ, पेपर टू, इसके बाद जैसे और DSSB की आती है, वो एक साल जो आप दे रहे हो उसमें हम कोशिश करेंगे जितनी भी वैकेंसी आ रही है टीचर्स की, हम सारी कवर, सभी कवर, ऐसा नहीं है कि एक बार बैच हो गया दोबारा बैच ही चलेगा, हर दूसरे से तीसरे महीने में बैच स्टार्ट होता रहेगा, आपको रिविजन का मौका मिलता रहेगा, आप बार बार ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं। क्या कहेंगे सर? तो बिल्कुल सही है, ये बेस्ट पार्ट है कि डाउट सेशन आपके पास है, क्विज मिल रहा है, और लाइव आप अपना सवाल पूछ सकते हो। क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में आप खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना क्वेश्चन, पहले भी कहा था सभी फर्स्ट वेंचर हो जाते हैं, फर्स्ट वेंचर्स हैं, सब फर्स्ट वेंचर्स हैं, कोई लास्ट नहीं है। ओके, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है, लाइक करना है, और जो भी आपके डाउट्स अभी भी रह गए हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हिस्सा बनो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का। साथ ही साथ अगर अभी भी आप मन बना रहे हैं अपने प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने का, तो जल्दी ले लीजिए, अगले स्टूडेंट आप हो सकते हैं। जल्दी जल्दी लेके आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, वो भी घर बैठे। और एक चीज़ और, देखो शेयर कर दिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घर से नहीं निकल पाते, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। व्हाट्सएप फेसबुक पे मैं 10 चीज़ें शेयर करता हूँ, अगर एक चीज़ किसी के भले के लिए शेयर कर दोगे तो आपका भी फायदा करेंगे, बच्चे करेंगे सर, पक्का करेंगे, ये फ्यूचर टीचर्स हैं, ये जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अपनी रेस्पेक्टिव क्लासेज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।